हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, ये अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज। हेडिंग डाल लीजिए, फिर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इस चैप्टर को आप ये मान लीजिए कि अंग्रेजी के तीन पिलर हैं, जिनमें से एक पिलर हम पहले ही तैयार कर चुके हैं, टेंसेस। दूसरा है एक्टिव पैसिव वॉइस, बिल्कुल मध्य में पढ़ते हो अपने सिलेबस के, एक अंत में जाके पढ़ेंगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये चैप्टर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, अंग्रेजी को खड़ा करने के लिए काम आते हैं। मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा नहीं बनेगा जहाँ पर आप इन चैप्टर के बिना उसकी उम्मीद भी कर सकें या कल्पना भी कर सकें। तो सबसे पहले ये है क्या, इसमें क्या करना है, क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट को जब पढ़ा देता हूँ ना कोई चीज़, तो वो उस तरीके से पढ़ता है फिर उसको कि फिर आगे चल के कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हम दिखाने जा रहे हैं आपको, वो क्या है, इसको स्कोप का मतलब कि इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है। जब तक बच्चे को ये चीज़ पता नहीं होती है ना, तब तक वो किसी टॉपिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता अपने आप को। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का क्या स्कोप है ये मैं आपको समझानी, मतलब एग्ज़ाम में कैसे आता है, किस कितनी संख्या में आता है, ये सब जान लो। सबसे पहले मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम दो तरीके, मतलब स्टेट के और एक सेंट्रल के। स्टेट में आर एस आर जे एस का एग्ज़ाम, ये डिस्क्रिप्टिव है, और सेंट्रल में बात करें यूपीएससी लेता है आईएएस का एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है, एक दो एग्ज़ाम। तो इनमें जहाँ भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है ना इंग्लिश का, वहाँ निश्चित है कि एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बिना कोई भी पेपर नहीं बना। तो वहाँ पे ये दोनों चैप्टर मौजूद होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत बड़ी संख्या में। अब बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक जिनके बारे में आपको ये पता ना लगे देख के कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, एक्टिव और मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब कई बच्चे सोचते हैं बैंक में जा रहे हैं हमारे को ये क्वेश्चन, उनको यही भ्रम रहता है कि ये आएगा नहीं, जबकि तुमको कोई निमंत्रण पत्र देके थोड़ी पूछा क्वेश्चन, ऐसा बना दिया क्वेश्चन और इसमें गलती किसकी है वैसे। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते, जैसे 50 क्वेश्चन है तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में बाई नेम क्वेश्चन। बाई नेम का क्या मतलब है, जहाँ पर नाम से आए, और बाई नेम में सबसे बड़ा इसका जो स्कोप है वो किसके अंदर है, एसएससी। समझ लो इसको, सारी चीज़ क्लियर कर लो। अभी तक जो एसएससी में पैटर्न चल रहा था वो अभी का पैटर्न ये था, कुछ नई चीज़ें भी जुड़ी हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पहला पैटर्न ये समझ लें, अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है एसएससी में जिसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी है, और किसी सब्जेक्ट में नहीं है। ये तीन पेपर हैं, ग्रेजुएट लेवल का प्री एग्ज़ाम जो आने वाला है जुलाई में, दूसरा एमटीएस का एग्ज़ाम, और तीसरा 10+2 का एग्ज़ाम। अब इनके अंदर फिक्स है एक से दो क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। 50 वाला पेपर है सिर्फ एक, सीबीओ का फर्स्ट पेपर, जिसमें चारों सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे जनरली क्या आता है, 100 वाला पेपर है स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम, हर साल होता है। स्टेनोग्राफर में तीन चीज़ आती हैं, मैं जीके, रीजनिंग और इंग्लिश, मैथ नहीं आती। उसमें 100 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, उसमें फिक्स है कि 10 क्वेश्चन किसके ऊपर आते हैं पैसे। 200 वाले दो पेपर होते थे अब तक, सीपीओ का मेंस एग्ज़ाम जो यथावत है अभी तक, और सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम। इसमें 20 क्वेश्चन कितने में से, 200 में से। तो इसमें से अब सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया मेंस का, प्री का तो वही है पर मेंस का चेंज हो गया। मेंस का कैसे चेंज हो गया कि अब इंग्लिश के मेंस एग्ज़ाम में 45 को सबसे बड़ा स्कोप है इंग्लिश का, अभी भी 135 नंबर है 300 नंबर में से, 1/3 से भी ज़्यादा, 35% लगभग। और इन 45 में जो अभी पेपर हुआ है, 22 से चेंज हुआ है ये, तो 22 में जो पेपर हुआ था उसमें 7 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे, 7। पहले 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के 20 नंबर, अब 7 का गुणा 3 से कर लो, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, वेटेज तो उतना ही है, चाहे 20 से आए नंबर चाहे कितने से आए, 7 से।
तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। 10+2 में मेंस एग्जाम जो है, अब प्री मेंस कर दिया 10+2 में, पहले एक ही पेपर होता था। मेंस में इंग्लिश का सबसे बड़ा स्कोप है, कितने 40, इसमें से कम मान लो 40 क्वेश्चन है 120 नंबर के, तो इसमें 5 से कितने क्वेश्चन आएंगे 6। एमटीएस में सबसे ज्यादा स्कोप इंग्लिश का है, रीजनिंग और किससे सिलेक्शन होगा, इंग्लिश से, मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई है फर्स्ट ग्रुप में, इसमें कम से कम 5 से लेके कितने क्वेश्चन आ सकते हैं सर, तो इस वाले ग्रुप में 5-6 क्वेश्चन का क्या है इसको, मतलब 20 नंबर आपको कौन दे देगा एक्टिव पैसिव। स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम आएंगे बहुत बढ़िया, जैसे अभी आगे राजस्थान गवर्नमेंट में एनडीसी की वैकेंसी निकलनी है, वो 15-16 हज़ार की संख्या में है, उनमें 75 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, हिंदी के 75 और इंग्लिश के 75। 75 में से 10 से 11 क्वेश्चन किसके ऊपर होते हैं एक्टिव पैसिव। अब देख लो कितना बड़ा स्कोप है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा कौन से एग्जाम में क्या स्कोप, मैंने बता दिया अनुभव के कारण, क्योंकि लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। अब मुद्दा है कि चाहे एक के लिए पढ़ो चाहे कितने के लिए, पढ़ना बहुत पड़ेगा, और जितना मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा उतना आपको किसी किताब से किसी माध्यम से, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 20 में से 20 करो 5 मिनट के अंदर। जिस दिन सीट सॉल्व कराऊंगा ना आपको, ये गति कितनी जल्दी उत्तर दे सकते हो, बस क्लास में रेगुलर आना है, अगर आधी क्लास भी मिस कर दी तो बहुत कुछ मिस कर दोगे फिर आप, ठीक है, एक वीक चलेगा ये चैप्टर पूरा आपका। तो अब ये तो हो गया इसका स्कोप, आगे बात करें ये चैप्टर है क्या, एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय, पैसिव, पैसिव का मतलब क्या होता है निष्क्रिय, और वॉइस का मतलब कथन। एक्टिव वो वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट के आधार पर कोई क्रिया लगाई, जैसे मैं कहूँ आई एम रीडिंग ए नोवल, तो आई के हिसाब से क्या लग रहा है एम, तो इसमें सब्जेक्ट का रोल है इसलिए इसको क्या कहते हैं एक्टिव। अब पैसिव क्या होगा कि हम सब्जेक्ट को न्यूट्रल कर दें, हम ऑब्जेक्ट को आगे नहीं आए, हम कहें एक किताब एक नोवल मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, नोवल इज बीइंग रेड बाय मी, तो सब्जेक्ट आधारित जो वाक्य बनते हैं वो एक्टिव हैं। पैसिव कौन से हैं, जो ऑब्जेक्ट आधारित वाक्य। बचपन में हमने जितनी भी बार ये चैप्टर हमको पढ़ाया गया या हमने पढ़ा किसी भी किताब में, हमको पहली लाइन यही बताई गई कि एक्टिव से पैसिव वैसे बनाना है, और क्या है मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी था इसलिए आज आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा यही आती कि अंग्रेज लोग ये बच्चों को क्यों परेशान करते हैं भाई, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कह रहे हैं, मतलब तो मैं कह रहा हूँ मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग ए बुक, और पैसिव क्या बनेगा, ए बुक इज बीइंग रेड बाई, हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, एक किताब पढ़ने वाला ऊपर से तो आ नहीं रहा, चाहे एक्टिव बना लो चाहे पैसिव। तो इसका जवाब कि एक्टिव से पैसिव क्यों बने, जिस दिन आपके पास है ना तो ये मान लेना कि ये जो क्वेश्चन आते हैं ना इनको क्या कर सकते हो सॉल्व। एक्टिव से पैसे बनाना मजबूरी नहीं है, जरूरत है, क्या है जरूरत, मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने अपनी शादी में निमंत्रित कर लिया जो बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, बड़े ऊंचे घर का व्यक्ति, और ऐसी शादी में कभी गए नहीं आप, आपकी उससे थोड़ी मित्रता थी, उसने आपको बुला लिया, अब आप सज धज के तैयार हो गए पहुँच गए, और यार मज़ा आएगा बड़ी शादी में, जाते हैं ना क्रेज होता है यार, बड़े लोगों की शादी देख के आते हैं, देखे तो वहाँ आके बड़ी तगड़ा मामला था, वहाँ तो ये बोले इतने तरीके के जूस, 150 तरीके के जूस पड़े हुए थे, इतनी खाने के 10-10 तरीके के आइटम, चाइनीज अलग, साउथ का अलग, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग फूड, कॉन्टिनेंटल अलग, तो घर पे आके आप क्या करोगे, 10-5 लोगों का दिमाग खराब करोगे कि मैं तो वहाँ गया वहाँ इतने तरीके के जूस मिले, भाई जूस तो भाई 100 तरीके के हों, ड्रम थोड़ी है पेट कि सबका एक एक ग्लास डाल लो, छकोगे तो कितना, शादियों में इंडिया की शादियों में जितना वेस्टेज होता है वो कहीं भी, बड़े लोगों तो ज़्यादा ही, कोरोना ने कोशिश करी थी इसको रोकने की, पर जैसे खत्म हुआ लोग दुगनी स्पीड से क्या हो गए, सब जैसे भड़ास निकालते ना वैसे भड़ास, बोले अब तो हम जोरदार तरीके से करेंगे, कोरोना से पहले हम 100 को बुलाते थे अब कितने को बुलाएंगे 500। कोरोना ने बहुत कुछ सही करने की कोशिश की थी, आदमी को आईना दिखा दिया था, अंग्रेजों वाली शादी करा दी थी कि 15 तुम्हारे आ जाओ और 15 और ले जाओ भाई, आधे घंटे में शादी खत्म, बढ़िया है खर्चा बचाना सबका, नहीं तो आप किसी मैरिज होम के पास चले जाओ दूसरे दिन इतना खाना वेस्ट, इस देश का दुर्भाग्य मान लो कि लाखों लोग भूखे सोते हैं और वहां पे खाना क्या होता है। अब बात तो मेरी कुछ और है, अब वो घर पे आके कह रहा है किसी को कि मुझे जूस मिला सूप मिला, एक घर के सदस्य ने कहा बोला ठीक है तू इतनी बड़ी शादी में गया सबको इंग्लिश में बता क्या मिला, अब इंग्लिश में कैसे मिला, जैसे एक वाक्य पकड़ लो जूस मिला, क्या मिला जूस, हिंदी है, अब इसकी अंग्रेजी बनाओ, तुम्हारा शरीर का जूस निकल जाएगा पर इसकी अंग्रेजी कितने शब्दों की, दो, क्योंकि इस वाक्य में क्या नहीं है,
इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, संबंध शब्द जूस इन पार्टी, हिंदी के दो शब्दों को लिखने के लिए हमें ये बनाना पड़ेगा, पर ये वैसे नहीं बनेगा जैसे हिंदी में बनाया। उसको बनाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, वैसे जूस वाज सर्वड इन पार्टी ये मिलेगा, जूस मिला, हिंदी अर्थ तो दो और अंग्रेजी में किससे बना वो, वैसे अखबार में खबर छपी कि 300 लोग उड़ीसा में सड़क रेलवे दुर्घटना में मारे गए, किसमें मारे गए, हिंदी पढ़ी है ना आपने, इंग्लिश लिखनी है तो इसका ये रास्ता नहीं बनेगा, कौन सा रास्ता बनेगा वैसे, क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट 100 पीपल वर किल्ड इन ए रोड एक्सीडेंट। आपको मैंने टेंस की सीट सॉल्व कराई थी, ध्यान होगा पास्ट टेंस की सीट में वो बॉन्ड वाला कंसेप्ट बताया था मैंने कि जन्म लेना व्यक्ति के लिए क्या है, पैसे वाज लगता है वहाँ पे। और बड़ी चीज, अब सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, इतने बच्चे हमारे माध्यम से सिलेक्ट हुए हैं, कोई मिलने आता है, कोई मिठाई लेके आता है, कोई फ़ोन पे सूचित कर देता है। जैसे मान लो मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया, मैंने क्वेश्चन बना दिया तुम्हारे लिए, उसने मुझे सीधा लिख के भेजा आई हैव सेलेक्टेड इन द बैंक। वो सर को क्या बताना चाह रहा था कि मेरा बैंक में चयन हो गया, उसने ये लिख दिया। अब मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया। अब मान लो मैं उस बच्चे को दोबारा एक मैसेज करूं कि ये गलत है, तो वो कहेगा सर क्लास में भी दुखी करते हैं, यहाँ भी नहीं छोड़ रहे। अब मैं सोचता हूँ तो सिलेक्शन हो गया, क्या फर्क पड़ेगा, सरकारी मेहमान बन गया, अब सही लिखे चाहे ससुराल वाले झेलेंगे अब उसको। तो यहाँ पे आप भी सोचोगे सर क्या कह रहे हैं गलत है, आई के साथ हैव लगता है, थर्ड फॉर्म आती है, सब कुछ सही है, नहीं है सब कुछ सही, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ निकालो, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा मैंने बैंक का चयन कर लिया है, जबकि कहना क्या चाह रहे हैं कि मेरा बैंक में अर्थ का अनर्थ हो गया। अगर ये क्वेश्चन आया ग्रामर में तो अच्छे से अच्छा धुरंधर भी नहीं सही कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, जन्म आपका होता है तो पैसे, दूसरा जन्म जब आपको नौकरी मिल जाए, दूसरा जन्म ये नहीं तो मरते मरते जिंदगी निकलती है फिर आदमी की बिना नौकरी के, तो भी वो किसमें बनता है, पैसे। तो एक्टिव से पैसे बनाना मजबूरी नहीं है, जरूरत है, क्या है जरूर लिखिए। चलिए शुरुआत करते हैं, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के आधार पर क्रिया का उपयोग किया जाए तो उसे हम एक्टिव वॉइस के अंतर्गत रखते हैं, जबकि वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को आधार बनाकर क्रिया का उपयोग किया गया हो तो ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस के अंतर्गत रखा जाता है। ये हेडिंग डाल लीजिए,
नालियाड़े। अब इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है? इस चैप्टर की मास्टर की जानते हो, जो हर ताले की चाबी है, क्या है? क्योंकि पूरा पैसिव किस पर टिका हुआ है, और ये चाबी मैंने आपको पहले दिन ही पकड़ा दी, जिस दिन आप क्लास में आए थे, जंप बैच शुरू किया था हमने। पहले तीन चार दिन हम बेसिक क्लास पढ़ाते हैं, और फर्स्ट क्लास में ही सबसे बड़ी चीज आई थी आपके सामने, क्या? ऑब्जेक्ट। चार चीज पहचानना सिखाया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। बच्चा उस समय सोचता है, क्या सर छोटी छोटी चीज पढ़ा रहे हैं। उस समय कहा भी था कि आज से डेढ़ दो महीने बाद जब आप क्लास में बैठोगे तो इस क्लास का महत्व बताऊंगा मैं, कि ऑब्जेक्ट हमको हमारी पूरी स्टूडेंट लाइफ में किसी टीचर ने, किसी क्लास ने, किसी किताब ने नहीं बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है। और बिना इसके ये चैप्टर अनाथ है, कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं अब आपको दोबारा सिखा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में सारा खेल ही किसका है, ऑब्जेक्ट। आ रही है बात समझ में? कॉपी बंद कर दो थोड़ी देर। अब देखो, मुझे आप दोनों के बारे में पता है, आपने पढ़ रखा है, इन्होंने नहीं पढ़ रखा है, पर आप में भी हो सकता है भूल गए हों लोग, तो इसलिए मैं ये चीज दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा आपको, इसलिए यहाँ समझने के बाद आगे कोई भी गलती नहीं। इस पूरे चैप्टर का जब सीट सॉल्व करोगे एग्जाम में जाके, 50 क्वेश्चन आए मान लो, 30 क्वेश्चन सिर्फ इसी बात से टिक लगाओगे कि आपको क्या पहचानना आता है ऑब्जेक्ट। फैक्ट कह रहा हूँ मैं आपको, तो समझ लो इसको एक बार पूरा ढंग से। देख रहा है सेंटेंस? ऑब्जेक्ट बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? राजकुमार बताओ ना ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स लास्ट नाइट, सन, चल तुम्हारा भी खेल खत्म, भूल चुके हो तुम। बोलिए, बोलिए अबला, आकाश, गार्डन, ये फ्लावर्स। तो मुंह पे हाथ क्यों रख रखा है? आवाज नहीं आया इसलिए? क्या है ऑब्जेक्ट? प्राइमरी स्कूल। हाँ भाई, चलो बढ़िया है, तो मैं प्राइमरी स्कूल में ही बैठता हूँ सबको मैं। मैं मुझे इस बच्चे से तो शिकायत हो सकती है, क्योंकि इसने तो पहली बार पढ़ा है, पर तुम लोगों पे तो इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि तुम अब तुम इस भी पढ़ने के बाद फिर एग्जाम में गलत करोगे तो भगवान भी नहीं बचाएगा तुमको। बताओ, बर्थडे, बहुत अच्छा। तुम लोगों ने नाम डबो नहीं गई, कसम खा रखी मेरा है। हाँ भाई, तो मतलब तीनों की स्थिति एक जैसी है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो बिल्कुल साफ, इसने तो पढ़ ही नहीं रखा, ये तो गलती करेगा ही। तो ऑब्जेक्ट भगवान क्या, आपको कोई किताब नहीं बताएगी पहचानना सिवाय इस क्लास के, और इस पर ही सब कुछ टिक रहा है, सारी पृथ्वी इस पर टिकी हुई है, और इसको हटा दोगे तो पृथ्वी हट जाएगी। ऑब्जेक्ट खतरनाक होता है, आपको सिखाया जाता है मन में जो क्रिया के बाद आए जो बोल दो। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है या जी। अब ये तीनों चीजों वाले एग्जाम्पल हैं आपके लिए, सबसे डेंजरस है ये और
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसमें अब आपको कैसे समझना है, हमको बचपन में सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में क्या सिखाया जाता है, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन, बच्चा कैसे ऑब्जेक्ट मानता है कि क्रिया के बाद जो शब्द आता है वो भगवान के नाम पे हो ना हो क्या होगा, कर्म फूटेंगे फिर तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाने वालों के भी कर्म फूटे हुए थे, उन्होंने तुमको पढ़ाया, अब तुम किसी और का फोड़ दोगे अगर तुम टीचर बन गए सरकारी तो। तीन ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें कैसे पहचानेंगे ये समझ लो। सबसे पहले मेन वर्ब के बाद वाले वाक्य को पढ़िए, अगर उस हिस्से में दो चीजें नजर आ रही हैं, एक व्यक्ति या वस्तु दोनों, तो कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो, और एक नजर आ रहा है तो एक, और नहीं है तो कैसे। अभी ट्रिक नहीं बताई मैंने, ट्रिक तो बताऊंगा आपको, अब तो WH वर्ड भी पढ़ रखे हैं आपने, पहले दिन तो WH वर्ड भी नहीं पढ़ा था। यहां पे आपको क्या करना होता है कि इस क्रिया से सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना होता है, वार्ड जैसे तुम पूरे भूल चुके, क्या इसका अर्थ होता है और इसका अर्थ है सुनाया, क्या सुनाया, ये प्रश्न बना, ये पूरा आंसर है ए स्टोरी। अगर इसमें ये भी छोड़ गए ना आप तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। पहला ऑब्जेक्ट मिल गया ए स्टोरी, फिर दूसरा जो व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट होता है उसे जानने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं हुम, हुम का मतलब किसे या किससे, किसे सुनाई, आंसर क्या मिला सन, और आप क्या उत्तर दे रहे हो मुझे, यहां क्या उत्तर दे रहे हो मुझे, गार्डन में बैठने की आदत पड़ी हुई है तुमको। यहां पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा वाट का, क्या लाता है वो, तो आंसर क्या मिलेगा फ्रेश, समझ गए, यहां तुम पहुंच गए प्राइमरी स्कूल में, तुम्हारा नॉलेज अभी तक वैसा ही है। यहां पे वाट का उत्तर नहीं मिलेगा, क्या पढ़ाता है, साइंस मैथ होता तब तो वाट का उत्तर मिल जाता, यहां पे उत्तर मिलेगा हुम का, किसका, किसे पढ़ाता है, तो आंसर क्या मिलेगा स्मॉल, खोपड़े में घुस गई बात। अब इसमें आ जाओ, यहां पे वस्तु भी है और व्यक्ति, तो यहां पे हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, क्या दिया, ए गिफ्ट, ऑब्जेक्ट नंबर वन, किसे दी हुम, यानी ऑब्जेक्ट नंबर कैसा हो गया, कितने ऑब्जेक्ट निकल के आ गए, दो। इसको तो मैंने पहले भी बताया था, जिसको दुनिया का हर, आज तक मेरी 20 साल के करियर में कोई बच्चा ऐसा नहीं आया जिसने ऑब्जेक्ट नहीं बताया हो, तुम तो दो दो बार गलती कर रहे हो, इसने पहली बार करी है, तुमने भी करी थी ये गलती। यहाँ पे ना तो वार्ड का क्वेश्चन, क्योंकि कहीं जाता है ना आदमी तो ना तो वार्ड का क्वेश्चन बनता है ना ही हुम का क्वेश्चन बनता है, ये दोनों क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि क्या जाता है या किसे जाता है का कोई मतलब नहीं होता, कहाँ जाते हो 9 बजे, कहाँ का मतलब ना तो वाट है अंग्रेजी में ना, इसलिए ये सेंटेंस तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद, अगर ऐसे सेंटेंसों का पैसे बना दिया ना तो वही काम कर दिया, जिसकी शादी नहीं होनी है ना उसको जबरदस्ती मंडप में ला के क्या करा दो शादी, समझ गए समझ गए। चलिए अब जो हेडिंग डाला था उसके आगे लिखना चालू करिए, हेडिंग डाल रखा है ना आपने, नीचे लिखिए किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, अब ये लिखने के बाद अगली लाइन में ऐसे नंबर एक डालो, नंबर एक डाल के लिखो, जिस वाक्य का पैसे बनाना हो उसके अंदर कम से कम, जिस वाक्य का पैसे बनाना हो उसके अंदर कम से कम एक ऑब्जेक्ट अवश्य होना चाहिए, आगे लिखिए अब किसी भी वाक्य में अधिकतम दो
तथा न्यूनतम। एक ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तथा जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट ना हो उनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ये जैसे लिख रहे हैं ना वैसे कि वैसे नोट कर लो अपनी कॉपी में एज इट इज फटाफट। हिज बर्थडे 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 BIRTHDAY। लिख लिया। तो अब इसके बाद अगर आप कोई गलती करोगे ना ऑब्जेक्ट में तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी और इस ट्रिक को जानने के बाद ये चैप्टर आधा कंट्रोल में आपके, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि बच्चे को ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं होता है। आपकी किताबें जो आपने पढ़ी हैं उनमें पहला पॉइंट ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। अब ले कहाँ से आए आदमी को ये नहीं पता, तो इसमें ऑब्जेक्ट हाँ भाई कर लिया, मिटा दूं।
सेकंड नंबर हर पॉइंट को बड़े ध्यान से लिखना है, और जब कल क्लास में आएंगे ना, जब सारे पॉइंट ढंग से पढ़ के आने हैं, वो डांट पड़ेगी अगर आपको किसी भी पॉइंट में मुझे लगा के आप गड़बड़ करके आए हो। लिखे जिस वाक्य का पैसे बनाना हो उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आते हैं, तथा सब्जेक्ट को प्राय वाक्य के अंत में बाई लगाकर जोड़ देते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझ लो कि अगर हम स्थान परिवर्तन कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, जैसे रवि ऑब्जेक्ट है आगे लाओगे तो रवि के नाम से ही आएगा, और सब्जेक्ट के ना स्थान पर रवि है तो अंत भी किसके नाम से जाएगा, रवि के। पर प्रोनाउन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मान लो तुम्हारे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है आई और पैसे बना रहे हो, तो ये अंत में इसके साथ जोड़ना है तो ये किसके नाम से जुड़ेगा, मी, और मी ऑब्जेक्ट है और पैसे बनाना है तो आगे किसके नाम से आएगा आई। ये नोट कर लीजिए कॉपी में, ये लिस्ट ये टेबल जो बना रहा हूँ ये गलत नहीं होना चाहिए। हाँ भैया लिख लिया, ये जितने भी नोट बोर्ड सब लिखा रहा हूं ना, कल किसी सूरत में स्लिप नहीं होने चाहिए, कल क्लास पूरी प्रैक्टिस की चलेगी और हर एक चीज में डांट पड़ेगी आपको, आज गलती माफ कल नहीं करूंगा। आपका सब्जेक्ट कोई भी वो वाक्य का पैसिव का रूल होता है कि उसे बाई लगा के हम अंत में क्या अंत में जोड़ें, ये आदत और डाल लो। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, मेन वर्ब के बाद लिख देगा, आपको आदत डालनी है किसकी कि हमें अंत में बाई लगा के क्या करना है जोड़। अब कई बार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है, जैसे समवन समबडी एनीवन, तो ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय हटा देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा पर बेहतर यही है कि उनको हटा देना। लिख लीजिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इस प्रकार का है कि जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चले, तो ऐसे सब्जेक्ट को पैसे बनाते समय वाक्य से हटा देना चाहिए। चलिए थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर डालिए, लेकिन पैसे बनाते समय मेन वर्ब को केवल थर्ड फॉर्म में रखा जाता है। इसमें नोट डाल लीजिए, और इस नोट के कारण एसएससी में और बड़े एग्जाम में नंबर कटते हैं आपके, तो इससे बचना है तो ये नोट याद रहना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, पैसे बनाते समय बाई लगा के सब्जेक्ट जोड़ते हैं, पर चार क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें थोड़ा गड़बड़ा है मामला, ये याद चार पांच क्रियाओं में याद रखना है। नीचे लिख लो नोट के, पैसे बनाते समय कुछ क्रियाओं के साथ सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एक निश्चित प्रपोजिशन का उपयोग किया जाता है। इन में समझ लो, इन दो क्रियाओं में पहले एट लगेगा, फिर उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट जोड़ेंगे। इन तीन में बाई का यूज ही नहीं होता, यहाँ टू लगा के जुड़ता है, ये इन और यहाँ टू। इसके कारण नंबर बड़े एग्जाम में कटते हैं, इसलिए ये लिखाया मैंने आपको एग्जाम जाते समय और क्लास में बैठते समय ये पूरा मामला क्या करना पड़ेगा याद करके। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर, लेकिन एक्टिव से पैसे बनाते समय टेंस का परिवर्तन करना होता है, यह परिवर्तन निम्न तरीके से किया जाता है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये दो बिंदु जिसके स्ट्रांग है ना, 80% क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्ट से हो जाएगा या टेंस से। टेंस बदलने की दो तरीके सिखाऊंगा, एक तो ट्रिक से और एक डिटेल से, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे याद रखना। डिटेल में एक एक शब्द को लिखाएंगे कि ये आएगा तो ये बनेगा, ये आएगा तो,
और ट्रिक में तीन पॉइंट में पूरे टेंस को क्या कर सकते हो, तो कॉपी बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, आज केवल ट्रिक बताऊंगा, डिटेल वाला मामला हम कल क्या करेंगे, तो पहले ट्रिक समझ लो आप। टोटल कितने हिस्से हैं ये? 12। इससे आपको एक चीज़ और पता लग जाएगी कि पैसिव बनाने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, एक तो ऑब्जेक्ट कम से कम एक, और दूसरा टेंस फेवरेबल होना चाहिए। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव बनता ही नहीं, अगर वो आ गए तो उस वाक्य का पैसिव, तो कौन कौन से है वो तो बाद की बात करेंगे, अभी इस पता लग जाएगा। पैसिव में आपने क्या कराया है? एक पॉइंट लिखा है इससे पहले कि थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब तो पहले फिक्स कर दी, अब इशू है हेल्पिंग वर्ब का, किसका? हेल्पिंग। वो यहां देख लो ध्यान से, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वाक्य दे रखा है, आपको तीन क्रिया होंगी, फर्स्ट फॉर्म में सीएस या डू या डच के साथ, और इसका पैसिव बनाना है, तो आपको नीचे जंप करना है, किस में जंप करना है? कंटिन्यू। इसकी हेल्पिंग वर्ब उठा लो, एज आर एम, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए एज आर एम लगेगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अब एक बढ़िया चीज और बता रहा हूं, अगर एज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है तो मतलब ये पैसिव है, और इसका एक्टिव बनाना है तो इस तीर की दिशा को उल्टा घुमा दो, किसका वाक्य बना दो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे बढ़ोगे एक्टिव से पैसिव बनेगा, पीछे आओगे पैसिव से एक्टिव, इसलिए ट्रिक बहुत शानदार है। अब दूसरा वाक्य उठाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज आर एम के साथ आई एन जी वाला वाक्य होता है, इसका पैसिव बनाने के लिए एज आर एम में क्या जोड़ना है? एज बींग, आर बींग और एम। आगे बात समझ में, और अगर ऐसा करके दे रखा है तो वापस लौट के आ जाओ पैसिव से। यहाँ पे क्या होता हैज और हैव, और हैज और हैव के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। नीचे जम कर जाओ हैज बीन और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अंतिम रास्ता यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे इसका पैसिव मतलब हैज बीन और हैव बीन के साथ आई एन जी वाला वाक्य है तो इसका कोई भी पैसिव नहीं बनेगा। ये चित्र एक बार याद रख लो, ऐसे ही बनेगा तीन बार। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। पैसिव बनाने के लिए नीचे जंप कर जाओ वाज और वर, वाज वर दे रखे हैं आईएनजी के साथ तो क्या लगा दो? वाज बीइंग और वर। यहां क्या होता है? हेड। नीचे जंप कर जाओ क्या आ जाएगा? हेड बीइंग। अंतिम रास्ता यहां भी मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहां पे भी पैसिव हेड बीइंग के साथ अगर आईएनजी आ रहा है तो पैसिव। अब इधर आ जाओ फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट विल और शैल होते हैं, नीचे आ जाओ विल बी और शैल। यहां पे एक अपवाद है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी इसका पैसिव नहीं बनता, इसका जरूर बनेगा। विल हैव शैल हैव होते हैं, नीचे आ जाओ किसमें बदल जाएंगे? विल हैव बीन और शैल। अंतिम रास्ता यहां, तो चार के पैसिव नहीं बनेंगे, तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का और एक कंटिन्यूअस। ये चित्र बना लो पूरा, चलिए।